बेटा अपना तौली और कच्छा दोनों चीज ले ले। हेलो जी, राम राम जी, सब नौ और सब ठीक ठाक होगा। स्वागत है आप सबको हमारा एक और नए व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत करी थी मैंने रात का टाइम, रात का बज रहा था 9 और मैं उधर कर रही थी कुछ सामान की तैयारी रात को टाइम से सर्दियाँ को, और व्लॉग ना बना पा रही जिस कारण जो वे डाल की आप सबने पता ही है थोड़ा सा मैं बिजी थी जिस कारण व्लॉग ना बना पा रही थी। पापा का ऑपरेशन हो गया ना तो उसमें थोड़ा सा बस उस चक्कर में मेरा मन भी ना करो तो लोग ना तो मेरे पहला जो लोग बनाए उड़े रखे तो जो लोग जब कुछ जब अम्मा में गंगा जी बाल का आया था ना उनको पहले दिन को मतलब शाम का टाइम तैयारी कर रहा था कि भाई सुबह जल्दी गंगा जी गालने जाऊँगा। कई जगह तो ऐसे से कई जगह क्यों मारे पूरे तो ऐसे से कि अगले दिन नहीं, जैसे आज दाग वगैरह लगाया था अगले दिन वो करके सोरनी वगैरह कर कर गंगा जी डालेंगे इसे मारे बाद में जाया कर। अगर पहला जाना चाहो तो पहला चले जाओ पर और बाद में जाओ तो बाद में। हम बाद में गया था और क्यों पहला तो सर्दी और धुंध ज़्यादा थी टाइम ना आया तो फिर जब थोड़ा मौसम ठीक हुआ जब हम गया था तो पापा ने मना कर दी थी क्यों पूरे दिन धुंध ही रहे थी मौसम ठीक ना रहता जिस करके हम लेट ही गया था। तो सारा सामान रख लिया उसे सारी तैयारी कर ली से सुबह 4 बजे निकलना है हमने और ईब सुबह को टाइम से सुबह सुबह 4 बजे हम सब चल दिया सा और नाकर ना गया बिना नहाया ही जाया करे तो आवे गंगा जी की जय बोलू वादू दे पखाड़ा हर का पावे गंगा बोलो बोलो तू मेरा काला गंगा जी की जय बो वो बोलो बोलो तेरे काला बे गंगा जी की जय बोलो मूंग फाड़ी थी अरे की आंगे एड़ी ओ रम मूंग फाड़ी थी अरे की आंगे एड़ी ओ रम जी बेकावले को फूल गंगा जी की जय गंगा
तो जी हम सारी लेडीज इकट्ठे होकर और मंदिर कन पहुँच गया सा, और जो जेंट्स वगैरह था सब भी पहला आ गया था। तो पूरे मतलब सबके अपने अपने अलग अलग रिवाज है, तो पूरे कुछ अलग रिवाज से वे आप सब देख लो कैसे जो यो पिपड़ को पेड़ है ना एक ऊपर रस्सो बांध कर और वह कोथड़ी बांधी जाएगी और फिर सब झोला देवी से। तो भाई सब के अपने अपने अलग अलग वो से मारे घर अलग रिवाज से और अलग से, तो ये पूरे सब पहुँच कर से तो जी बस इब हम चल दिया सा, जो भी कुछ अपना रीति रिवाज रही सी वे कर दिया है। जो बड़ा बुढ़ा सी मम्मी पापा सी सब ने जो भाई पूरे बेरो से वैसे उनने जो रिवाज कराया कर वे पूरा कर दिया सा। और देखो आप सब कितना देर, तो हम 4 बजे मतलब घर तक निकलिया था और फिर बस मंदिर तक आया था, तो काफ़ी टाइम लाग गए थे। और इवन निकल लिया है मैं डुगू पापा और डुगू बाबू हम गया था। मम्मी गई को ना, मम्मी बोली मैं घर डट जाऊंगी, तो हम गया था और इवन चल दिया सा गंगा जी गालन माने गढ़ गंगा जा रहा। और नो मना कही कि लोग लेट डालो, यो लोग मेरे पास पेंडिंग थो। फिर मैंने सोची चलो मेरे पास व्लॉग बना रखा से और 4-5 व्लॉग से लगती शायद मैं यही व्लॉग डालूँगी जो मेरा पेंडिंग से व्लॉग, तो आप सब देख लियो। आप सब ने अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाइयो। तो मैं डुगुरान पीछा बैठा से और देखता ही देखता देखो दिन निकला से, और गई ना जब मैं बिल्कुल एकदम सही गई थी, नहीं तो मेरा उल्टी वगैरह लग जाया करा गाड़ी में, और उल्टी वगैरह ना लगी कभी अपना आराम से सही गया था। तो इवन जल्दी से पहुँच जाऊँगा, जल्दी इतना पहुँच जा हम 7-8 बजे तक शायद हम पहुँच ही गए। कितना टाइम लगा था, 4 बजे पर निकला गया था, मतलब 4 बजे घर से निकला था, तो 4:30 तो शायद 6 बज गया था और 7-8 बजे हम पहुँच लिया था। तो देखो जी इवन हो रहा है अपना जो टूल टैक्स वगैरह कटिंग हुई है वो कटवाया कई जगह, तो जो शाम भी बड़ो चल है टूल टैक्स वगैरह को। ठीक बोले इन लड्डू ये देख ठीक इनमें कंडा निकले ठीक है पुरानी ही की ज्यादा बोई है ना यूपी साइड में एक बोती देखो और डुगू करना मतलब बहुत वो थोकि मैं माँ ने गंगा जी गालन चाहो करना जब जरूर जाऊँगो। मैंने इस तक कही भाई काफ़ी दूर से तू परेशान हो जाओगे, तो मैं बोलो नहीं मम्मी मैं अपने माँ ने जरूर गंगा जी गालन जाऊँगो। तो भाई देखो बालक का भी कितना वो रहता है ना, 4 बजे तो ये मारते भी पहला उठ लिया तो, और मैंने कर मम्मी आप जल्दी ना उठोगा और ये मारते भी पहला उठ कर तैयार हो लिया था देखो आने खाकर। BMW मुरत मेरठ
तो जी बस शिवम पहुँच लिया सा गढ़गंगा और महाराज जी का शब्द चलाता हुआ आया था। और देखो जैसे जो भी आ रहा था गंगा जी का उन सब गाड़ी के पाले था और कोई भी कपड़ा वगैरह कुछ भी सामान लग के जाए सन वे पूरे ही रुकवा कर काफ़ी जना आ जाए जी गाड़ी के पास कपड़ा हमने तो पापा ने बोला भाई पूरे ही जो देना सामने कपड़ा वगैरह पूरा ही दे दो फिर चलाऊंगा आगे हम पार्किंग में लगा कर गाड़ी ने फिर जाऊंगा गढ़गंगा। तो देखो ये बाप सभी कितना मतलब जेंट्स लेडीज सब आ जाए सूर है और इतने मतलब इनका वो रस है कि भाई हमने मिल जाए हमने मिल जाए। देखो गाड़ी का चौगरदा हो जाए सी और ही बन चल दिया सा पापा ने ले राखी से जो पोथली थी माँ की जो अस्थि थी वे ले राखी से और पापा आगे आगे जा रहा है डुगू पापा और डुगू जा रहा है मैं इनके पीछे पीछे पहुँचगा सा फिर पार गढ़गंगा। तो इवन जो भी अपनी पूजा होगी छोटी मोटी पूजा कराँगा और माँ की अस्थियाँ है गंगा में प्रवाहित कराँगा। तो ये पंडित जी था ये करेगा छोटी सी पूजा और माँ के पापा नाव में बैठ कर और बीच में मतलब बाबा का आऊँगा। तो देखो पूजा होगी फिर पापा वा जो नाव आगे जा रही ना उनमें बैठ कर माँ की अस्थियाँ में बीच में अच्छे से बाबा का होगा। और बस पापा का आना के बाद इवे नहारा से ही और डुगू नहारो डुगो बाबा डुगू नुआन ला कर डुगो बाबा। तो ये तो नहा लिया था और मन उरे जो ये जो लिखा था ना ये भी वो कर दिया है जैसे मछली वगैरह से ना इनके लिए कुछ खाना था वो भी और हमें डाल दिए से मछली से ना उनके लिए डुगो पापा और डुगो नहा लेगा ये नहा लिया था। और बस ये हम चल दिया सा अपना जो भी हमारी रीति रिवाज रस्म थी वे सारी पूरी करके वापस चल दिया सा जो भी उरे मंगता भिखारी भूखा गरीब था उन जिन तक मतलब मारते दान करो गयो उन तक हमने दान कर दियो है। और इब हमने जान सकना गाड़ी के पास गया और फिर उसके बाद जाना तो हमने जीत मारा और पंडित जो है ना पंडा बोलनी है उनके पास जाना तो कि उरे ना लिखवा कर जाया से कि भाई जब भी अपना कोई एक्सपायर वैसे ना तो उरे लिखवा कर जाए से। और डुगू ने लग गई थी भूख तो डुगू अपने कुछ अंगूर वगैरह लिखा है तो केला अंगूर तो वो कुछ खाएगा छोटी मुड्डी से बहुत सुनी छोटी ये डाट ये मैं एक वानों की मुड्डी ले आऊंगी। अरे यार की तरह मुड्डी की मैं लेके जाऊं छोटी मुड्डी ले आऊंगी ये कैसे दी ये 550 से आटा 3 पीस हम तो बहुत ज्यादा का दे रहे तुम तो छोटा लो फिर ये तो घणी छोटी से फिर अब बच्चा बैठ जाएगा सर हां बाहर का के तो ले लो चलो। तो जी मैंने उरे ले ली से वानू टिया के लिए छोटी मुड्डी मैंने ये अच्छी लग रही थी तो मैंने सोची चलो बालका खातर दो छोटी मुड्डी ले लेंगे सो ये ले ली थी और एक दो मुड्डी और भी देख रही थी पर भी मेरी समझ में ना आई तो बस मैंने वानो और टिया की ले ली थी मुड्डी। और मेरी आदत से कि मैंने कुछ और पसंद आ जाए तो मैं देखने लग जाए फिर डुगू पापा लड़ने लग गया कि बस इन सब ने रख दे और आज आगे जाना भी से फिर लेट हो जाऊँगा। तो भाई मैंने ले ली से मुड्डी और बस यो मारो माँ के साथ यो एक आखिरी वो रस्म रिवाज रह गई थी जो हमने पूरी कर दी है। और यो रिवाज भी बहुत ज़रूरी से कि भाई ये रस्म भी कि गंगा जी गाल का आए बिना भी कोई काम पूरा ना मान जाया करे गंगा जी गाल का आना बहुत ज़रूरी है इसी ये माँ का था उरे पंडा कने पूरे ये था हमारा पंडा जिनके पास हम लिखवा का आया था तो इनका हमने नाम वगैरह जो भी कुछ तो अपना लिखवा दिया और हर गोत का अलग अलग वैसे ये था हमारी गोत का और ये हम लिखवा कर वापस चल दिया हाँ
और हमने अभी तक कुछ भी ना खाया। 11 बज गया था शायद, हमने 11 तो ऊपर को टाइम पूरा ही होगा तो, और हम शाम में पहुंचा था वापस 4 बजे के करीब शायद, 4 तक भी ऊपर टाइम होगा तो इतना टाइम लाग गए तो। तो चलो अब हम कुछ खा लें, वहाँ से सुबह तक भूखा आया उड़ा था घर तक, तो पूरा हमने कुछ खाना वगैरह खाया था, ढाबा पर रुक गया था हम खाना वगैरह खा के, और फिर हम निकलेंगे अपना भाई रूट पे अपना घर की तरफ। तो उधर बैठ गया था हम, एक साइड में मैं डुगू पापा डुगू बैठ गया था, और एक साइड में बैठा था दूसरी तरफ ने डुगू बाबा बैठ गया था। तो बस सब ने अपना खाना वगैरह खा लिया सर, एक हम चल दिया था अपने घर की तरफ। और थोड़ा सा भाई आ वही से उठ जाकर मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी कि भाई आज तो हम माँ की जो अपनी अस्थियां से उन्हें प्रभावित कर देंगा। और मैं घर तक तो नू गई थी, आप सब ने देखो सब अपनी सारी बात ना बताऊँ, मैं आप सब ने एक बात बताऊँ, मैं गई थी कि मैं माँ ने गंगा जी गालने जाएंगा जब जाऊँगी और नहाऊंगी, उठे जाकर पता ना मेरे के हो गो, मैं मन ने मतलब डर लग गया और मेरे तो उसमें ना बड़े ना गए पता ना क्यों, कदे भी जैसे मैंने पानी वगैरह में बढ़ कर नहाई नहाती तो मेरे तो गंगा जी में नहाए ना गए, बड़े ही ना गए पता ना क्या बात होगी, तो मैं डर गई थी। तो बस फिर हम वापस आ गए था, हाँ वैसे अपना हाथ पैर वगैरह धो लिया था मैंने, ना ही कौन ना कोई बात ना भाई, गई तो थी पर मैंने डर लग गया उम्र बढ़ती आने। फिर हम पहुँच लिया सा अपने घर की तरफ रेवाड़ी इन्ना सॉरी कोसड़ी आ लिया हम, और अपना घर पहुँचने वाला था थोड़ी देर में। आप सब ने मारू लोग कैसे लगो कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लियो। और ये देखो आप सब ने देख भी रहा होगा गेहूँ और सिर्फ एकदम हरा भरा था जिस टाइम हम गया था ना उस टाइम, वीडियो ही लेट डल पाई से मेरी, कोई बात ना मेरे पास थी तो मैंने शेयर कर दी, एक बार तो मैं ना डाल रही थी पर मैंने सोची चलो भाई बना रखी से तो क्यों ना शेयर कर दी जाए। और इब हम अपना गांव में पहुंच गए हाँ, देखो गांव का अड्डा पर था, इब हम अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहा था। और मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब गई जब तो बिल्कुल आराम तक गई थी, आई ना वापिस जब हालत बिगड़ गई थी मेरी, परेशान सी हो गई थी मैं पता तो नहीं, सिर में दर्द ज़्यादा होगा तो दूर ज़्यादा एक तो, और ये भाई वैसे भी बाहर को खाना सूट ना करे, बाहर को खाना खा कर वैसे ही बीमार हो जाए। तो उरे हम अपने घर पहुँच गया था, उरे पता नहीं या के रिवाज जैसे कुछ रिवाज जैसे मेहंदी वगैरह की, तो मम्मी ने दिया कना था मारे पावा मतलब पावा में तलवा में मेहंदी लगवाई थी, तो मतलब एक एक टिक्का को सुगन करवाया तो हुआ वो वह वैसे पूरा। और बस ही हम आ लिया सा करना है, आगा की वीडियो फिर जो से भी फिर शेयर करूँगी, मिलांगा।